तो भाई ये देखें हमारे प्यारे से कबूतर, हाँ क्या हो गया। वेदर बड़ा प्यारा होता जा रहा है, ये देखें यार खूबसूरत लग रहा है वेदर। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो ये देखें, अरे भाई पूरी बस को आग लग गई है यार। गाजी तो पिटी है, रोजा खुला है ना, रोजे के बाद तो पिटना बनता है ना। किस तरह से पूरा डिजाइन है वगैरह, भाई कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर खजूर है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। यार मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है यार, मैं अपने कबूतरों को किस तरह से ट्रेन करूं कि यार ये मेरे हाथ पे बैठना शुरू हो जाए। यार मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बंदा यार कबूतरों की तरफ हाथ करता है तो वो उड़ के आके इसके हाथ पे बैठ जाते हैं, तो क्या मैं इनको ट्रेन कर सकता हूँ इस तरह से, या मुझे कोई छोटा बच्चा ही पालना पड़ेगा उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो यार जिसको पता हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर इनको ट्रेन कर सकते हो तो कैसे करना यार वो भी तरीका मुझे बता दें। यार हमारे कबूतर देखें मुझसे डरते भी नहीं है, बस यार इनको किसी तरह ट्रेन करना है यार, मेरे हाथ में आना शुरू हो जाए। जैक और जैकी नाम रखा था हमने इन लोगों का ना, भाई जरूर बताइएगा कमेंट में किस तरह हो सकता है, क्या करना पड़ेगा। अब रोजे का भी टाइम होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा देखें अब सूरज डाउन होना शुरू हो गया, बादल आ गए हैं खूबसूरत, सब वेदर बड़ा प्यारा होता जा रहा है, देखें यार खूबसूरत लग रहा है वेदर। अच्छा मैं आपके अपने कबूतरों को ना करीब से दिखाता हूँ, इनको पकड़ के दिखाता हूँ फिर बताए यार ये होंगे नहीं होंगे ट्रेन। अरे 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 उड़ना नहीं उड़ना नहीं उड़ना नहीं, क्या हो गया। तो भाई ये देखें हमारे प्यारे से कबूतर, हाँ क्या हो गया। ये पहले यार इतने अच्छे ट्रेन हो गए थे कि यार ये मेरे पास रहना शुरू हो गए थे, हाथों में भी आने लगे थे, मगर उसके बाद हमें टाइम मिलना कम हो गया तो फिर उसके बाद से ये भाई बिल्कुल ही अलग हो गया। अब तो यार ये थोड़े थोड़े डरते भी हैं और फौरन चले जाते हैं पिंजरे में, अगर खुले भी हो ना, अगर हम आ जाएं गैली में तो ये फौरन पिंजरे में चले जाते हैं, वरना पहले ये खुले रहते थे हमारे पास आ जाते थे, हाथ में दाना भी खाते थे, मगर अब इन्हें पता नहीं क्या हुआ। तो भाई इनको किस तरह ट्रेन करें यार जल्दी से कमेंट करके फौरन बता दो। अच्छा जी हम वहाँ बाहर सफाइयाँ कर रहे हैं और यहाँ पे ये लोग गेम खेल रहे हैं मजे से। वाह भाई इनके तो मजे लगे हुए, तुम लोग गेम खेल रहे हो अजीब है यार, मुझे तो तुम लोग पूछ ही नहीं रहे यार। रिश्वत तुम तो चैंपियन हो गए कसम से गेम में यार, तुम तो मुझे भी इतना गेम हरा देती हो भाई। ये तो रिश्वत तो चैंपियन है, ये दूर दूर जगह लेजर मारती रहती है, इस वजह से ये जीतती है, ऐसे नहीं जीतती कोई नहीं, बहुत बहुत बेईमानी करती है रिश्वत। तो भाई हम लोग तो घर में रोजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, मगर उस पर कॉल आ गई है हमारी नादिया बाजी की, यानी जैन रिश्वत की फुफ्फो की कॉल आ गई कि भाई हमारे घर आ जाओ रोजा खोलने के लिए, तुम्हारी छुट्टी भी है तुम घर में भी हो तो एक काम करो हमारी तरफ आ जाओ वहाँ रोजा खोलेंगे। यार ये क्यों इस तरह तंग करती रहती है, आज इनको हम बताएंगे, कल हमने इनको मदर डे क्या मना लिया, ये तो समझ लिया हमारी अम्मी है, तो आज इनके पास चलेंगे, आज इनको हम बताएंगे भाई क्यों हर दफा आप कॉल कर देती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक काम करते हैं हम अपना घर छोड़ देते हैं और वहाँ से ले आते हैं नादी वाली को, तो भाई आज फिर नादी वाली की तरफ दावत है, तो चलो यार फटाफट निकलते हैं। चलो भाई जैन रिश्वत की मम्मा बना रही हैं पकोड़े शकोड़े और पता नहीं क्या कुछ, हमने सोचा कि हम फटाफट फ्रूट चाट बना ले, तो भाई फ्रूट चाट को कट करते हैं। फ्रूट चाट भी बना लिया और अब चलते हैं बाजी के घर, पूरा घर गंदा किया है। तो भाई ऐसे ही होता है यार, थोड़ी थोड़ा तो गिरता है यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत गिरता है चलता है। और बाबा मुझे बोल रहे हैं कि तुम उठा दो, मैंने बोला नहीं मैं तो तैयार हुई हुई हूं। बेटा उठाना तो आपको ही पड़ेगा, जरा कैमरा तो कट होता है, मैं अभी यार रस्सी की सफाई करके फिर आपसे नहीं, मैं तो चलो मैं यार जरा सफाई कर लूँ फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके बाय, चलो यार फटाफट चलो जल्दी खुलो यार, ये बहुत बुरी बात है किस तरह चीजें बिक रही हैं, जल्दी उठा लो। शाबाश शाबाश बाबा, व्लॉग तो बना रहे हैं अभी, व्लॉग थोड़ी बना रहा हूँ, तो ऐसी रोशनी दिखा रहा हूँ, तो मैं लाइट मार रहा हूँ। तो भाई इसी के साथ मैंने पूरी सफाई कर दी और अब जा रहे बाजी के घर पे, ठीक है चलो बाय। ये मेरे हाथ में मैंने किया है, वहां से उठा के लेके आएंगे तुम, कोई नहीं भागो यहां से, चलो जाओ जाओ जाओ। दादी बाजी की कॉल आई कि भाई तुम लोग किधर हो, मैंने उनको बोला हम तो घर पर हैं, रोजे तो हम लोग घर पे खोल रहे, तो अब वो गुस्सा करके कह रही तुम लोग कहाँ रह गए रोजे के लिए वेट कर रहे, तो चलो भाई चलते हैं अंदर और सरप्राइज देते कि हम लोग आ गए हैं। चलो हम लोग आपको पागल बना देते यार, हम लोग ना हम तो घर पे रोजा खोल रहे हैं, खोल के आ रहे बस रोजा लाते हुए, गुस्सा करके कह रही कहाँ रह गए, इधर इतना कुछ बनाया हुआ है, हाँ तो लिया है, आ जाए आ जाए आ जाए, लिया है लिया है भाई लगाओ। अरे मेरा रोजा भाई, 2 मिनट रह गया रोजा खुलने पे, फटाफट रोजा पीना यार, बहुत बहुत ही रोजा लग रहा है भाई। हाँ जी आज की मसला है, पता था कि तुम अच्छा, एक मिनट आपको लगा कि हम लोग घर पे ही रोजा खोल रहे, लगा तो लगा
मैंने बोला तेरी सफाई से कि भाई हम रोजे खोल के आ रहे हैं। चलो यार रोजे का टाइम हो गया। तू किधर है? तेरा वेट कर रहे माँ ने हुकुम किया और देख हम लोग आ गए। अभी खुद नहीं पता था, अचानक आप प्लान हुआ है। भाई मसला ये हुआ, कल जो इनको हमने मदर डे की वो किया ना वेश, तब से अम्मी बन गई हमारी। ये पक्की बोल गया अम्मा ही हुआ था, सीरियस ले लिया भाई। हमने मजाक में केक काटा था वैसे ही। यार एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, इस खजूर के ऊपर देखें ऐसा पूरा डिजाइन बना हुआ है। ये देखें मैं इसको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें किस तरह से पूरा डिजाइन है वगैरह। भाई कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, खजूर वगैरह। तो चलो यार रोजा खोलने के भी टाइम हो गया, खजूर को मैं आराम से आपको दिखाता रहूंगा, पहले रोजा खोलते हैं। क्या है, गिलास टूटा हुआ पड़ा हुआ है भाई, इसने कैसे पानी पिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमने कर ली और अब पीते हैं फटाफट से चाय। अबे चाय का है ये तो, शरबत रखा हुआ है। चाय किधर गई हमारी, चाय किधर है भाई? अकेले अकेले तू बैठ के चाय पी रहा है, मसला क्या है तुझे? हैं यार आज पिट लिया था, यार आज पिट लिया था, रोजा खुला है ना, रोजे के बाद तो पिटना बनता है ना भाई। सब अपने अपनी चाय उठा ले जा रहे, मेरी चाय किधर है? तुम पिटना चाह रहे हो? हैं पिटना चाह रहे हो? क्या मसला ये मेरे साथ है? तेरे ऊपर ही आएगी, मैं क्यों करूंगा। बादल जो है ना फिर आना शुरू हो गए, ये देखे भाई बादल शादल आना शुरू हो गए। कह रहे भाई दो तीन दिन में बारिश होगी। यार ये पता नहीं इधर क्या हुआ है भाई, इधर ना कोई बस को आग लग गई है आई थिंक के। हाँ ये देखें, ओ अबे हाँ यार ये तो सामने बस को आग लगी हुई है। ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पे देखें, बिल्कुल अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो ये देखें। अरे भाई पूरी बस को आग लग गई है, मगर ये कि बुझा दी भाई। ये यूएई है भाई, यूएई में तो भाई कमाल है, फौरन क्विक रिएक्शन मिलता है भाई, फौरन क्विक रिएक्शन। तो यार मैं क्या बता रहा था भाई, बहरे बादल आने शुरू हो गए, मुझे लगता है भाई फिर बारिश होने वाली है। कह भी रहे हैं भाई बारिश फिर शुरू होने वाली है, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, खासतौर पर यार ये जो मस्जिद है ना, सुभान अल्लाह यार मैं कहता हूँ इतनी प्यारी लग रही होती है, ये देखिए इतनी खूबसूरत लग रही है। तो ये हो रही है भाई कल के रोजे की तैयारी, क्योंकि कल जो है ना वो सबको दावत दी हुई है घर पे रोजा खोलने की। अभी तक नादी आजी हमें बुला रही थी, अब सबको बुला लिया है। क्या खोल लिया भाई तू? वाओ कितना प्यारा लग रहा है यार ये, ऑन करो इसको, ये भी दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीजें माशाल्लाह। ये कल सजाना है या सबको देना है? ये देने का है, वो सजाने का। अच्छा ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह, ये मेरा हिस्सा अलग रख देना। खजूर है तो चेक करो, वाह माशाल्लाह। जैन के तो मजे लग गए, चीजें सजाने का मौका मिल गया जैन को। ये खजूरें बहुत अच्छी वाली है यार, ये बड़ी खजूरें हैं। वाह अच्छा, तो रमजान करीम लिखा हुआ है। वाह भाई माशाल्लाह क्या जबरदस्त लग रहा है यार। अभी हम लोग एक चीज लेके आए हैं, मुझे लगता है वो नादियाबादी की है, मुर्तजा से कंफर्म करते हैं। मुर्तजा भाई ये क्या सीढ़ियां क्यों लेके आए? ये छोटे लोगों के लिए, अब ये नमाज पढ़ने गई है, आती है ना तो इनसे बोलते भाई आपके लिए देखिए हमने क्या लेके आए, सीढ़ियां लेके आ गए। वो छोटे कद की है ना तो बेचारी जा नहीं पाती, अब वो जाने वाले साफ करने के लिए तो चाहिए होगी कोई चीज, तो हम छोटी सी सीढ़ी है उनके लिए, अभी उनसे मिलवाते आपको। चलो भाई कल की तैयारियां देखो कितनी अच्छी हो रही है भाई, चांद तारे शारे सब लगा दिए इधर, क्योंकि सबको इफ्तार पे बुलाया है तो भाई अच्छे से घर सजा होना चाहिए। वैसे तो लाइटें लगी हैं, ये भी ऑन कर देंगे, और ये नई लाइटें जो लेके आए ये भी ऑन कर देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा घर हमारा। लाओ भाई जैन बैटरी ले आओ, जल्दी से लगा के देखें यार, जल गया तो कैसा लगेगा फटाफट देखते हैं। तो जला के देखते हैं कि ये जलने के बाद लगेगी कैसी। अच्छा इसके अंदर भी बल्ब लगे हुए हैं भाई, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं इधर भी, इसमें भी, और इसमें भी चांद तारे सब बने हुए इसमें। तो भाई अभी लगा रहे हैं बैटरी। ओ वाह भाई माशाल्लाह क्या जबरदस्त लग रहा है यार, वाह ये अच्छा है ना, लोग जब आएंगे तो देखेंगे तो बोलेंगे वाह भाई कितना अच्छा सजा है। भाई किसी को दावा देनी है तो भाई ढंग से देनी, ये ब्लिंग जो है ना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखें वाह कितना प्यारा लग रहा है ये। इधर वैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं। अरे जैन तुमने मोबाइल फेंका, ये देखो कैसे खड़ा रह गया इधर आके, ये देखो नहीं रुका भाई, ये कैसे फेंका तुमने यार। अरे वाह मैजिक, हाँ वो दिखाया मैंने सारा पूरा, अभी पूरा दिखा दिया मैंने कि भाई कितना अच्छे से हमने सजा दिया, कल की तैयारी हो रही है ना। लस्सी नहीं है वो, ये क्या है? केक बना रही हूं। अच्छा चीज केक बना रही है, मुझे लगा लस्सी बन रही है, मगर ये तो सारा मसाला तो इसमें फंस गया भाई। अरे हो जाएगा भाई, थोड़ा टाइम तो भाई। ये है कैनवुड की मशीन,
जो कि आटा भी घूम रही है और ये पता नहीं ये कुछ केक का भी मसाला बना रही है। तो क्या बात है भाई, कैनबोर्ड वालों जबरदस्त मशीन निकाली आप लोगों ने। बस अभी ये किस चीज की मशीन है, ये मोबाइल का वेट करके बता रही है। अभी पता करता हूँ कितना वेट है मेरे मोबाइल का। 155 ग्राम वेट है भाई मेरे मोबाइल का। ये अच्छा, मेरे हाथ का वेट कितना है वैसे, 2 किलो है। अच्छा तो भाई बड़ा सीरियस टॉपिक इस वक्त होने वाला है, वो ये है कि हमने नादीबा जी को बोला कि यार कल सब गेस्ट आ रहे हैं तो क्यों ना इन बॉटल में जो है ना वो शहद डाल के सबको दे दिया जाए। तो भाई ये देखें, हमने ये शहद के लिए बॉटल बनाई तो सोचा इसमें शहद डाले और लोगों को दे देंगे। तो फिर नादिया बाजी लेके आई है शहद की बॉटल, और वो शहद की बॉटल जो है ना, मेरे पास ना शहद था, मैंने जिद किया कि शहद मत खरीदो, तो है रखा। हाँ जी, हम शहद नहीं खरीद के लेके आए इस वजह से। और माशाल्लाह ये देखें शहद की बोतल है, और इसमें से आवाज देखें, मैं आपको दिखाता हूँ हो क्या रहा है। ये देखें, हम लोग सोच रहे हैं मुर्तजा भाई और मैं कि यार ये शहद इतना पतला कैसे हो सकता है। तो फिर आखिर हमने फैसला पता क्या किया कि यार इसको चख के देखते हैं कि ये है क्या। और जब हमने इसको चखा ना तो भाई ये तो ऑयल है, मोए मोए, ये इनके कारनामे है। हम बाहर से शहद भी खरीद के नहीं लेके आए कि यार शहद घर में इतना भरा हुआ रखा हुआ है, इसके अंदर शहद होगा, देखो दिखता तो शहद जैसा है। शहद ये बॉटल मैंने खाली रखी थी, किसी काम आ जाएगी, इतनी बड़ी अच्छी क्यूट सी बोतल है। और उसके बाद आपने क्या किया इसके साथ यार, देखो यार। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने रखा था बॉटल खाली, और इसके अंदर अचानक से ये ब्राउन चीज आ गई, मुझे लगा शहद वाली बोतल पीछे पड़ी होगी। ये किसी मेड ने कर दिया है काम, मेड ने किया है, उसने बेचारे डेढ़ होशियारी करी थी, इसके अंदर तेल भर के चली गई है। अब शहद बताओ, हम लोग शहद लेते भी नहीं है, खाली बॉटल ही बांटे। अभी एक काम करो, इसमें इसमें अब यार चीनी डाल के पानी कुछ डाल के कुछ तो बना लो, अजीब है यार, हम शहद ले भी रहे हैं। ये मेरे को बोली भी है, एक किलो शहद बचा हुआ है, ठीक है बांट दे, ये शहद है, ये रियल पाकिस्तानी है, वो चॉकलेट के डब्बे में सूई, वही तो हम परेशान हो रहे कि ये शहद इतना पतला कैसे हो सकता है, आपने इसमें ऑयल डाल के रखा हुआ है। और मैंने उसको चख भी लिया, मेरा दिल घबरा गया एक मिनट के, ये कैसा शहद है इसका कोई जायका ही नहीं आ रहा, तेल क्यों भरी है यार, कैसी हरकतें करती है यार। मेरे कपड़े फेंक गए, मेरे नए कपड़े डोनेशन पर ना, खत्म नहीं हो रहा, नए कपड़े डोनेशन में जमा चली। तो भाई हमारे घर में ना इस तरह के बहुत भंड होते हैं, क्योंकि देसी फैमिली है ना, तो भाई कोई भी खाली बॉटल नजर आ जाए उसमें कुछ भी डाल के रख देंगे हम। सभी भंडारी है भाई, इतना बड़ा भंड, और हम शुक्र है अभी हम इसको पैक करने वाले थे, शुक्र है पैक नहीं किया हमने। यार अब मेड को बताएंगे तो मेड बस सिर्फ हंसेगी, बोलेगी कि आप लोगों ने तो बोला था यूज कर लो, तो यूज कर लिया। और हो भी सकता है मुर्तजा भाई, हमारी मेड बहुत अच्छी है, उसने क्या किया होगा, शहद सारा फेंक दिया होगा और उसमें ऑयल, इसमें थोड़ा बहुत शहद होगा, उसने सोचा होगा यार फेंको, इसमें ऑयल डाल के रख दू कि काम आएगा। भाई क्या क्या होता रहता है। चलो भाई अब ये लाइट जो है ना ये सही हो, इसको कर दिया हमने ऊपर। अबे भाई इसको तो बंद करो, ये हर वक्त हमारे घर में ये चलता रहता है, जीतो पाकिस्तान। भाई ये लगा दी अब लाइट ऊपर करके, कल की तैयारी हो रही है जबरदस्त किस्म की। तो भाई चले जल्दी से करते हैं सहरी फटाफट, क्योंकि सहरी हमारी रेडी हो चुकी है और हमारा गेम शो भी लगा हुआ है जीतो पाकिस्तान। जिसके सर में जुए होती है ना उसके लिए होती है, क्या पहना रहा है मुझे। अजीब आदमी है यार तू, क्या है यार, मुझे तो ये लग रहा है ये पहली बार ले रहा हूं अंडे गरम अंडे। तो अच्छा बॉल में तो ये भी फंस गई यार, मेरा जेल लगे वो बाल पूरे खराब कर दिए यार, कैसा आदमी है यार। देख रहे हैं कितना अच्छा सजाया है ना कल के लिए। खाई तू कल रोजा यहाँ खोलने आएगी, ठीक है, इतनी सारी लाइटें मिलेंगी तुझे। अबे एक काम करते तेरी रोजा खुशाई करते कल, हम क्यों शाम से खाना शुरू कर दो। अबे लानत है, तेरे लाइटें सजाइए तू रोजा रख के आएगा है, तो बस सही है कल कल इंतहा का नीयत खराब आदमी है वो, अच्छा तो ये ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल खा चुका मैंने, तेरे तो धक्के दिए ना मुझे, तू कल रोजा रख के आएगी ना तेरे लिए हम ये लाइटें खोलेंगे, तू चमकती लाइटों में आई हो, चल के जाइ हो रोजा, मजा आएगा। चल यार लॉक को खत्म करो, तो मसला क्यों है तेरे साथ, चांद तारे से नहीं कर, चांद तारे सर से चमक रहे। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे करेंगे एंड, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तेरे अच्छी लाइफ।
ब्लॉग खत्म करो, तुझे लाइट नहीं पड़ी। बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है, देख लिया देख लिया देख लिया। ये नहीं चाह रहा कल तक जो है वो किसी गेस्ट के लिए इसको छोड़े। तू ही चमकता रहेगा इधर, अगर ये लाइट ही गिरी ना तो फिर तुझे लगा देंगे हम इधर। सही है, हम दोनों को बाय 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 बाय।